है गाइस, आज मैं यहाँ लंदन में स्वामीनारायण मंदिर है, मंदिर के दर्शन करने आई हूँ। बहुत ही बड़ा मंदिर है, अंदर तो फोटो लेना वीडियो लेना बिल्कुल अलाउ नहीं है। पूरा सोने से भरा हुआ महल है पूरा मंदिर, इतना सोना सोना पहली बार इतना अच्छा मंदिर देखा है। लेकिन अंदर वीडियो नहीं ले सकती थी, इसके लिए मंदिर के बाहर का मैं हिस्सा आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा मंदिर है ये। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, चीज़ें इतनी खूबसूरती से इसको बना रखा है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको पूरा मंदिर का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो दिखाती हूँ। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे, नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ आपको मिले। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ किस तरह का वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ लंदन का ये खूबसूरत स्वामीनारायण मंदिर का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आइए देखिए मेरे साथ। लंदन में इस मंदिर को नेस्डन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को मैं ये भी जानकारी दे दूँ कि इस मंदिर को पूरी तरह हिंदू पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। और खास बात यह है कि इस भव्य मंदिर को ब्रिटेन का पहला प्रमाणिक हिंदू मंदिर बताया गया है। यह धर्मनिरपेक्ष इमारतों से अलग यूरोप का पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर का मंदिर भी था। सबसे खास बात यह है कि सन 2000 में इस मंदिर को गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया। लंदन का यह स्वामीनारायण मंदिर भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है। मंदिर परिसर का बहुत ही स्वच्छता और बहुत ही सुंदरता के साथ ध्यान रखा जाता है। अगर आप कभी लंदन गए, मंदिर में आप जरूर जाइए। मैं हर भक्त को कहूंगी, हर मेरे व्यूअर्स को कहूंगी, एक बार स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। इतना खूबसूरत और इतना साफ सुथरा, आप मंदिर परिसर में कहीं पे भी एक कचरे का टुकड़ा आपको दिखेगा नहीं। इतना स्वच्छ मंदिर है, इतना साफ सफाई वहाँ पे, और इतनी खूबसूरती है मंदिर के। जितना सुंदर बाहर का स्ट्रक्चर है उससे कई गुना खूबसूरत अंदर जाके मंदिर की मूर्तियाँ हैं। आप एक बार जब मूर्तियों को निहारते हो तो दूसरी कोई चीज़ देखने को मन नहीं करेगा। इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, इतना सुंदर श्रृंगार रहता भगवान का, एकदम आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ से बिल्कुल हिलने को मन नहीं करता है। मैं तो जब गई थी मैं तो बहुत रो के आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद पता नहीं अब कभी ज़िंदगी में आने का मौका मिले भी या नहीं। मुझे सच में वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, इतना खूबसूरत श्रृंगार है मंदिर का, बिल्कुल देखते ही बन रहा था। इतना सुंदर वस्त्र सभी भगवानों को धारण किया रहता है, इतने सुंदर लगती हैं सब मूर्तियाँ, इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर उनकी जो ज्वेलरी होती है, जो उनको मुकुट पहनाया रहता है, इतना खूबसूरत मुकुट रहता है, इतनी सुंदर लगती है मूर्तियाँ कि दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। इस मंदिर में जितने भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, ऐसा नहीं कि एक मूर्ति का श्रृंगार रहता है, जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनका बेहद ही खूबसूरती से ध्यान रखा जाता है। खासकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार तो मन को मोहने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक बार निहारने के बाद सच में उस मंदिर से कभी भी वापस आने का मन नहीं करता है। जो भी कृष्ण भक्त होगा वो सच में वहाँ जाने के बाद एकदम ध्यान में खो जाएगा भगवान के। उसको फिर दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन ही। आप पहले जो भी मंदिर में जाते हैं, एक बार मंदिर के दर्शन करने के बाद वैसे ही कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जैसे मैं वहाँ पे गई और भगवान के दर्शन किए, इतनी सुंदर उनकी प्रतिमा थी, उनका जो रूप था, उनके जो वस्त्र थे, उनकी जो ज्वेलरी थी, देखते ही आँखें फटी की फटी रह, ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं स्वर्ग में भी ऐसा ही होता होगा। इतना अच्छा लग रहा था मुझे तो देखने के बाद। सच में जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो उनको कहना चाहूँगी, जहाँ भी आप रहते हैं, जब भी कहीं जाते हैं, एक्चुअली मंदिरों में जरूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। सच में कुछ नहीं है जीवन में बाकी। वहाँ पे जब गई थी मैंने,
फैमिली से बोला कि मुझे जाना है मंदिर के दर्शन करने हैं, बाकी तो सब देखते रहेंगे, तो मैं देख के आई। सच में बहुत खूबसूरत मंदिर है। जो भी व्यूअर्स लंदन में जाएं तो मंदिरों के दर्शन ज़रूर करें, सच में बहुत अच्छा लगेगा आपको। यह मंदिर भगवान श्री स्वामीनारायण के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। इस खूबसूरत मंदिर का उद्घाटन सन 1995 में किया गया था। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ हमारे हिंदू समाज के सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बाहर है, आप देखोगे सच में हर रीति रिवाज वहाँ पे मनाए जाती है। लंदन के रहने वाले हर हिंदू के लिए यह मंदिर एक बहुत ही आस्था का केंद्र है। और ख़ास बात यह है कि हर त्यौहार के हिसाब से इस खूबसूरत मंदिर के साथ सजावट होती है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि त्यौहार किस तरह का है उसी तरह से भगवान के कपड़े, वहाँ की जो मंदिर की साज सजावट है उसी तरह से की जाती है। इतना सुंदर लगता है वो मंदिर, भगवान के वस्त्र भी उसी तरह के हो जाते हैं, मतलब जैसा त्यौहार रहेगा वो। एक बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है एक एक चीज़ का। इस मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों का पूरा पालन किया जाता है। जैसे यहाँ पे आरतियाँ हैं, यहाँ पर सबसे पहले सुबह मंगल आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद दोपहर में राजभोग आरती होती है, और शाम के समय में संध्या आरती होती है, और रात के समय में फिर मंदिर के जब रात के टाइम में सोने के वक्त पे फिर शयन आरती करने के बाद मंदिर के जो कबाड़ हैं वो दरवाजे वो बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह हर दिन प्रतिदिन इसी तरह से पूजा पाठ होती है मंदिर में। लोग इतने आते हैं, मैंने तो देखा था जब मैं गई थी वहाँ पे, फॉरेनर भी बहुत सारे लोग थे वहाँ, जो फॉरेनर थे वो भी आए थे दर्शन के लिए। इतने लोग आते हैं, सिक्योरिटी काफ़ी कड़क रहती है। जैसे बैग वगैरह हम लोग लेके गए थे तो दूसरा एक काउंटर है वहाँ पे अलग से, रोड के राइट साइड पे हम लोग को जाना पड़ा, मतलब दाहिने साइड पे काउंटर है वहाँ पे जमा कर देना होता है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बाएं तरफ या लेफ्ट साइड पे मंदिर का जो गेट आता है, गेट के अंदर जाने के पहले सिक्योरिटी चेक होती है। अगर कोई चीज़ आपके पास है, पहले तो बैग वगैरह लेके जाना अलाउ ही नहीं है, अगर कुछ चीज़ें हैं मोबाइल वगैरह ये सब चेकिंग होती है। लेकिन अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है एकदम स्वर्ग लगता है, बहुत ही खूबसूरत साफ सफाई। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, आप देखिए बाहर का हिस्सा है कितना सुंदर लग रहा है। ये गार्डन एरिया है, यहाँ पे बैठने के लिए आपको सब साधन मिलेंगे। कितना खूबसूरत बनाया है गार्डन की जो कटिंग वगैरह, झाड़ कितनी अच्छी कर रखी है, देखिए गार्डनिंग कितनी खूबसूरत कर रखी है। फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, ये लोगों की भीड़ रहती है, बहुत ही सुंदर। और जो इसका जो स्ट्रक्चर है, कहा जाता है जो संगमरमर के पत्थर जो इसमें गड़ाए गए, ये वहाँ से कारीगर मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान में आके तब जाके इसको मतलब बनाया गया था। पूरी संगमरमर की सीढ़ियाँ, पूरा इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है। और उसका जो आप देखेंगे जो उसमें जैसे जो पीओपी की जैसे सीट लगती है यहाँ पे, उसे संगमरमर की जो सीटें लगी हैं, आप ये देखिएगा गेट देख सकते हैं कितना अद्भुत और कितना भव्य गेट है। ऐसा गेट शायद ही कहीं पे बना होगा, इतना सुंदर बनाया गया है गेट। और मंदिर की भी आप देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे मूर्तियाँ बाहर से भी बनी हुई रहती हैं इसमें। और मंदिर के आप जो डिज़ाइन है वो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना सुंदर मंदिर है। दोस्तों मंदिर के अंदर स्ट्रिक्टली मना था वीडियो लेना, फ़ोटो लेना, इसलिए न मैंने फ़ोटोग्राफी की न मैंने वीडियोस लिए। आस्था की बात है जो रूल्स के खिलाफ है वो मैं ऑब्वियसली नहीं करना चाहूँगी। मैं वैसे फ़ोटो गूगल करके भी डाल सकती हूँ, लेकिन ये आस्था की बातें हैं, जो चीज़ मना है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो सब छेड़खानी करूँ। इसलिए आप मंदिर देख के स्ट्रक्चर देख के समझ गए होंगे कि कितना खूबसूरत मंदिर है। अगर कभी आपको लंदन जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर मंदिर के दर्शन कीजिए। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, हर दिन हर क्षण हर पल हमसे दूर होता है, हमारी ज़िंदगी का कम होते रहता है। हम अपने जीवन काल में, हम अपने नित्य कर्म में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम कुछ पल अपने आराध्य के लिए निकालने के लिए हम एकदम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिजी कर लेते हैं, पर ये गलत बात है।
अपने जो नित्य कर्म हैं वो तो कीजिए, उसके साथ साथ अपने ईश्वर का नाम ज़रूर लीजिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जो जिसे भी मानता है, उसे ज़रूर याद कीजिए। जीवन में बाकी सब कुछ साथ नहीं आने वाला है, हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी सोच, हमारे अच्छे व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए पुण्य ही हमारे साथ आने वाले हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाएं, आप ईश्वर का नाम ज़रूर लें। मैं लंदन में गई थी, मैंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, गुरुद्वारों में गई। मैंने लंदन में एक मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन मैंने किया था, जिसमें मैंने भजन गाए हैं। मौका मिलने पे वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी, मैंने ऑलरेडी फेसबुक में डाला है वो। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। हमेशा चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।